हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एसम एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टी वाई बी कॉम सेमेस्टर सिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो अभी पेपर हुआ था उसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स क्या होंगे तो 2024 में जो पेपर हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसके यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे मल्टीपल चॉइस थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आप अपने आंसर्स भी उसके साथ चेक कर सकते हैं तो सबसे पहला पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क अंडर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन ऑप्शन थे इशू प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न नेट लाइबिलिटी वैल्यू मार्क एप्लीकेशन वैल्यू या फर्म अंडर राइटिंग वैल्यू तो अंडर राइटिंग कमीशन हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है अंडर राइटिंग कमीशन हमेशा कैलकुलेट होता है इश्यू प्राइस ऑफ शेयर रिटर्न पे तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट right आंसर था आपका इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था दैट वॉज द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सप्लायर्स अकाउंट तो जो एक्सचेंज का डिफरेंस होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है वैसे तो वो एफ में ट्रांसफर करते हैं लेकिन एफ का बैलेंस भी कहाँ ट्रांसफर करते हैं तो यस yes, आपका आंसर सही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करते हैं एफ टू पी एंडल या पी एंड टू एफ ऐसी उसकी जनरल एंट्री होती है तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट right आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्ड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट इन अमालगमेशन एज अ मर्जर ऑल दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम्स दाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी वेंडर कंपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी अमल कमेशन मर्जर के बेस पर पे होता है तब जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं वो किसके बन जाते हैं वो बन जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के तो राइट आंसर इसका है ट्रांसफरी कंपनी फोर्थ पॉइंट जो हमने बहुत बार डिस्कस किया था और मैंने भी आपको कहा था कि जो लिस्ट आती है इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यहां पे भी आया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन डैश तो देर आर वेरियस टेप्स ऑफ लिस्ट लिस्ट ई लिस्ट सी लिस्ट डी या लिस्ट बी देखो ये ऐसा पॉइंट्स है कि जिसमें आपको याद रखना पड़ता अगर आपके ये पॉइंट्स क्लियर होते तो आप इसका आंसर ईजिली लिख सकते थे और मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव के बेसिक चीजें ध्यान से पढ़ ली तो आपको थियोरी में भी इसका यूज होगा और

नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स अंडर से आया है इन केस ऑफ शेयर्स राइटिंग कमीशन के नॉट एक्सीड तो शेयर्स में जो अंडर का कमीशन होता है वो कौन से परसेंटेज से ज्यादा नहीं हो सकता थ्री परसेंट ऑफ इशू प्राइस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस या टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस तो आपका राइट right आंसर बनेगा फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस तो कमीशन ऑफ प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता है तो राइट right आंसर इसका है ऑफ प्राइस नंबर में चलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट ऑप्टेन डिपिन डिपिन का फुल फॉर्म डायरेक्टर्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो वो किससे लिया जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द रजिस्ट्रार दैट इज द एंड द रजिस्ट्रार ऑफ

हाई कोर्ट तो आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव यहां पे पूछा गया है कंपलसरी वाइंडिंग अप में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो किसको भेजा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भेजा जाता है टू दी ऑफिशियल लिक्विडेटर तो राइट right आंसर इसका बनेगा द ऑफिशियल लिक्विडेटर नेक्स्ट पॉइंट नंबर नाइन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन से पूछा गया था नॉन मॉनिटरी आइटम्स आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस करंट प्राइस हिस्टोरिकल कॉस्ट या फ्लक्चुएटिंग प्राइस तो जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं वो हम हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं तो राइट right आंसर इसका बनेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट अगेन द क्वेश्चन नंबर इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमाल ऑन अमाल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कैश अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट देखो अमाल चैप्टर में जो भी आपके फिक्टीशियस असेट्स होते हैं जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ऐसे जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ डेबिट किए जाते हैं वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डेबिट करते हैं तो राइट right आंसर आपका बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट नेक्स्ट इज इलेवन नंबर द असेट विच इज़ नॉट टेकन अंडर नेट असेट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो जो नेट असेट्स मेथड हम कैलकुलेट करते हैं उसमें इनमें से कौन सा असेट हम नहीं लेते हैं तो अगर आपको इसका रूल पता है तो कौन सा असेट नहीं लेते है? हम लोग फिफ्टीश असेट्स नहीं लेते हैं तो ऑप्शनस आर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स लूज टूल्स फर्नीचर बिल्स रिसिवेबल देखो लूज टूल्स भी लेंगे फर्नीचर भी लेंगे बिल्स रिसिवेबल भी लेंगे, लेंगे लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हम नहीं लेंगे वेरी सिंपल रीजन बिकॉज वो फिफ्टीशियस असेट है ट्वेल्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव था एवरेज रेट इज द रेट विच इज ऑन द बैलेंस शीट डेट द मीन ऑफ एक्सचेंज रेट द प्रपोर्शन बिटवीन टू करेंसीज एंड द रेट एट विच असेट कुड बी एक्सचेंज तो एवरेज रेट क्या होता है एवरेज रेट मतलब द मीन ऑफ एक्सचेंज रेट्स जो एक्सचेंज रेट होते हैं उसकी उसी के बेसिस पे ओपनिंग और क्लोजिंग रेट होता है और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग रेट का जो भी एवरेज आता है दैट इज कॉल्ड एज दी एवरेज रेट तो ये हमने 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स को भी चेक कर पाएंगे जो अगला पॉइंट आपको पूछा गया था दैट वॉज रिलेटेड विद योर ट्रूअल फॉल्स तो ट्रूअल फॉल्स में सबसे पहला ट्रूअल फॉल्स था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लाइक द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ट्रू या फॉल्स तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के येस इट इज ट्रू तो पहला आपका ट्रू एल्व फॉल्स जो है वो ट्रू था सेकेंड जो है डिबेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ट्रू या फॉल्स तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो लिक्विडेशन वाला चैप्टर से पूछा गया है तो उसको आपको पूरा पेमेंट करना है वाइंडिंगअप के बेसिस पे तो आंसर है इसका भी ट्रू नेक्स्ट नंबर थ्री द एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सेल शुड बी ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट जो एक्सचेंज डिफरेंस है एक्सपोर्ट सेल का वो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है बिल्कुल भी नहीं वो ट्रांसफर होता है एफ में तो आपका राइट right आंसर है एफ लेकिन इधर तो सेल्स दिया है तो राइट right आंसर बनेगा फॉल्स इन पार्शल अंडर राइटिंग ओनली टू परसन अंडर राइट द इशू ट्रू या फॉल्स आंसर तो बनेगा आपका फॉल्स तो इन पार्शियल अंडर राइटिंग ऐसा कोई भी नहीं कंडीशन uh, नहीं है कि दो पर्सन से अंडर राइट करते हैं इशू तो राइट right आंसर आपका बनेगा फॉल्स इन्वेंट्री इज अ मॉनिटरी आइटम ट्रू या फॉल्स तो इन्वेंट्री इज अ मॉनिटरी आइटम नो इट्स नॉट अ मॉनिटरी आइटम इट इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम तो इट्स फॉल्स तो इसका राइट right आंसर बनेगा फॉल्स अमालगमेशन से है ऑन अमालगमेशन पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ट्रू या फॉल्स तो बिल्कुल सही है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का परचेस कंसिडरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है उसको हम सीधा ओल्ड कंपनी में डालते हैं जेरल एंट्री होता है रियलाइजेशन टू बैंक तो इसका कोई भी परचेज कंसिडरेशन से लेना देना नहीं है तो राइट आंसर बनेगा ट्रू नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ अमालगमेशन रिक्वायर्स अप्रूवल बाय 75 फाइव परसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ एवरी कंपनी इन्वॉल्व राइट आंसर बनेगा ट्रू बिकॉज अमालगमेशन के स्कीम में 75 परसेंट जो शेयर होल्डर्स होते हैं uh, वो उनका अप्रूवल लेना कंपल्सरी बन जाता है नेक्स्ट इज नंबर एट एल एल पी एग्रीमेंट मस्ट स्पेसिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स ट्रू या फॉल्स तो एल एल पी एग्रीमेंट स्पेसिफाई करना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स बिल्कुल सही है तो राइट right आंसर आपका बनेगा ट्रू नेक्स्ट इज फ्रॉम चैप्टर ऑफ फॉरेन करेंसी नंबर फॉर रिपोर्टिंग करेंसी इज द इंडियन रूपी यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इट्स फॉल्स रिपोर्टिंग करेंसी इज नॉट द इंडियन रूपी फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट इज नंबर टेन अंडर राइटिंग से अंडर राइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स शेयर राइटिंग कमीशन जो है वो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स पे कैलकुलेट नहीं होता है आपका राइट आंसर है फॉल्स नेक्स्ट इज इलेवन नंबर कैपिटल रिजर्व और गुडविल कैन अराइज इन पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तो मैंने आपको कहा था अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ऐसे दो मेथड होते तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल जो है वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में नहीं आता है वो अमल गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड में आता है तो इसका राइट right आंसर बनेगा फॉल्स और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था आपको ट्रूअल फॉल्स में इन कंपल्सरी वाइंडिंग अप रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्क्टर इज फिक्स बाय द कोर्ट तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप में रेम्युनरेशन जो भी लिक्विडेटर का है वो कोर्ट फिक्स फिक्स करता है बिल्कुल सही है कोर्ट विल डिसाइड अबाउट द रेम्युन द राइट आंसर इज ट्रू तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव विच वी हैव डिस्कस अगर आपको इसी तरीके के सेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में डाउनलोड करना ना भूले सभी चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है और कॉस्टिंग का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है उसको भी आप देख सकते हैं ताकि जो भी पॉइंट्स है आपके सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो पाए अपने फ्रेंड्स में शेयर करें सो दैट उनको भी ये चैनल से लास्ट मिनट रिविजन के रिलेटेड वीडियोज़ मिलने में हेल्प हो पाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय टेक